Assalamualaikum guys, welcome back to brand new gameplay video के साथ। आज की उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे, फिट होंगे, खुश होंगे। सो फाइनली बैक आ चुका है एक ब्रांड न्यू गेमप्ले वीडियो के साथ। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है और काफी ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि मैप भी काफी इंटरेस्टिंग है। और आज हम लोग मिस्टर अबू के स्टाइल में गेमप्ले करते हुए दिखाई देंगे और उन्हीं के साथ उन्हीं की तरह हमारी यहाँ पर आज अनलकी मोमेंट्स भी हमारे साथ होते हुए दिखाई दिए। और लिटरली यार, क्योंकि भाई आप लोगों का हेडशॉट मारने लगा तो यार पूरे मैप को हम लोगों ने इतने ओनली रेड नंबर मारे कि यार बंदे भी परेशान हो गए थे। और लिटरली यार, जब भाई की क्लिप इतनी हैवी किस्म की चल रही, बंदे को समझ लगी कि यार कि ड्रैगो कहीं ना कहीं वीडियो निकाल जाएगा कोई अच्छी वाली। लेकिन भाई इतने में ही यहाँ पर एक स्क्वाड आता है और इतने गंदे तरीके से यार उनको मैं फेलता हूँ। लेकिन यहाँ पर आखिरी बंदा जो कि उनका पता नहीं यार कैसे मार जाता है मुझे, मेरे ओनली रेड नंबर को पता नहीं कौन सी नजर लग जाती है लिटरली। और इसी के साथ बहुत खतरनाक क्लिप्स के साथ यहाँ पर आज की गेम प्ले बहुत हैवी वाली है। सो वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर पर सेट कर देना। और पब्लिक बात करते हैं तो 23K सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, थैंक यू सो मच। और हम लोगों ने जल्दी से 30K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब ठोको और वीडियो को शेयर जरूर किया करो दोस्तों में, और मुझे कमेंट सेक्शन में आइडियाज देते रहा करो। और पब्लिक यहाँ पर आज बात करते चले तो यहाँ पर हम लोग टोटली यार मिस्टर अबू की तरह ही कॉपी करने वाले हैं। और आज हम लोग ओनली मिनी यूजी का चैलेंज भी करते हुए दिखाई देंगे और वो ही हम लोग ट्राई करेंगे। लेकिन लॉन्ग रेंज गन्स हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन यार वो उस सिचुएशन में करेंगे कि यार जब हमें कुछ भी नजर ना आ रहा हो। भाई की लैंडिंग यहाँ पर रिफाइनरी रही है, जो कि मिस्टर अबू भी अक्सर यहीं पर ही लैंडिंग करता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक बंदे और अच्छे बंदे यहीं पर खेलने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर मैंने उतरते ही मिनी यूजी का दो बंदों को यहाँ पर रैंडम नंबर कराए और ये बंदा देखो नॉक होने के बावजूद भाई गायब हो गया बंदा लिटरली। यार मैंने कहा चलो कोई लूट निकलेगा, ये लूट लेके भागा था। अब यहाँ पर दूसरा बंदा मैंने यहाँ पर नॉक किया था, इसको भी यहाँ पर जल्दी से लेते हैं। लेकिन यहाँ पर गन्स वगैरह भी चलो A94 मिल गई है, थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा चलो फिनिश करने के लिए ना, ये वाले बंदे काम आएंगे। अब यहाँ पर दो बंदों को तो मैंने स्टार्ट नहीं कर दिया था, लेकिन यहाँ पर बंदा वो ऊपर जाकर दोबारा से रिवाइव हो गया। अब यहाँ पर मुझे दो बंदे दोबारा से नजर आए, मैंने कहा चलो यार A94 का एडवांटेज लेते। फिर मैंने यार A94 का 217 का हेडशॉट दिया और मैंने वाला का भाई वेक्टर वाला जो के मुंह पर ही आ गया था भाई, बहुत गंदे वाला सीन रहने वाला मुझे लग रहा है आज, क्योंकि यहाँ पर यार सिचुएशन असल में ना ये देखो किल ले रहा है साले पब्लिक, किल वाला बहुत गंदे वाला सीन, मतलब फिनिश करना पड़ेगा साथ साथ मुझे, क्योंकि फिनिश नहीं किया तो काम खराब हो जाएगा। अब ये वाली जगह ऐसी है कि यार यहाँ पर बंदे बहुत ज़्यादा उतरते हैं और जिसको नॉक नजर आता है बस वो उठाने वाला काम करता है किल को। अब यहाँ पर तुम लोग खुद ही चेकआउट कर लो कि यार बंदे यहाँ पर इतने ज़्यादा हैं कि यार अभी भी यहाँ पर ऊपर जो फाइट चल रही है। ये देखो दो बंदे उतर के, इसको मैंने राइट नंबर कराया, चलो ये नॉक और ये दूसरा पीछे करना मतलब कितना गायब होगा। यार ये क्या चल रहा है यार कसम से, यार मैं खुद परेशान हो रहा था, मैंने कहा यार ये कर क्या रहे हैं बार बार। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यार ये एबिलिटी कितनी दफ़ा यूज़ की जा सकती है, क्योंकि यार इस बंदे ने मेरे साथ इतनी दफ़ा किया। वही बुश बैठा हुआ है वो, उसको भी नहीं पता था शायद मैं इधर खड़ा हूँ, वो पुदीना बन के खड़ा हुआ था। ओके चलो ये आता है, इसको लॉन्ग से पकड़ते हैं, चलो मेरी तरफ आ गया 257 का हेडशॉट, ओके गया। चलो फाइनली अब इनका आई थिंक एक ही बंदा बचा है ना, हाँ ये देखो यार ये इस बंदे ने ना बहुत काम खराब किया लिटरली। यार ये जाता है और आता है, चलो जिसको रेड नंबर, ओके चलो ये अच्छा, हाँ ये पुदीना वाला है, कोई नहीं वो ऊपर वाला भी रहता है, अभी वो ऊपर वाला रहता है यार, वो वाला भी नीचे आएगा लास्ट उतर के आएगा पब्लिक। यार उसने एबिलिटी इतनी दफ़ा यूज़ कर चुका है यार, वो देखो पहले मैंने उतरते ही यार मिनी यूजी का उसको रेड नंबर कराया था, लेकिन वो ऊपर चला गया, पता नहीं ऊपर से तो वो टीममेट बैठा हुआ था इसकी वजह से वो रिवाइव हो गया। अब यहाँ पर मैंने इतनी कोशिश की कि यार उस बंदे को मैं देख सकूँ, लेकिन भाई मुझे वो बंदा यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आता। फिर मैंने कहा यार चलो लूट वगैरह थोड़ी सी अच्छी कर लूँ, क्योंकि मेरे पास एमओ भी नहीं है, मिनी यूजी की भी 9 में बची है। ओके ये बंदा उतरा, ओके यार यहाँ पर हेडशॉट सेलेक्ट भी नहीं हो रहा यार, ये देखो ना लगे तो फिर एक भी नहीं लगता, ये देखो फिर भाग गया यार कसम से यार, इतने बहुत गंदे वाला नचाया, वो देखो ऊपर से डैमेज भी कर रहा है यार इतना गंदे वाला। चलो कोई नहीं इस पर टेक्निक से आते हैं। अब यहाँ पर भाई आप लोगों को ऊपर छत पे आ गया, लेकिन यहाँ पर वो बंदा ग्लूवार का कवर लेके बैठ गया यार, तो अब यहाँ पर मैंने कहा चलो यार इसको इग्नोर मारते हैं और अभी जाके ना हंट वगैरह लेते हैं। छोड़ो वही वो आ गया नीचे आवाज आई देखा, ओके चलो फाइनली ये वाला स्क्वाड भी यहाँ पर वाइप आउट। यार लिटिल यार ऐसे बंदे भी ढीठ होते हैं यार, तो पूरी गेम में इतना तंग करते हैं ना यार, बंदा खुद शॉट हो जाता है। अब यहाँ पर भाई पूरा इरादा था कि यार हंट लूँ और हंट के साथ साथ अभी चलो किलिंग करते हैं तेज़ी से जाकर, क्योंकि 7 किल तो स्टार्ट में ही उतरते ही मैंने कर लिए थे, जो कि अक्सर यहाँ पर बंदे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आज थोड़े से कम ज़रूर आए हैं, क्योंकि यार देखो मेरे 7 ही किल है यार। चलो कोई ना, अब जल्दी जल्दी से जाते हैं और तुम लोगों को दिखाते हैं कि यार कौन सा अनलकी मोमेंट हुआ मेरे साथ यार लिटरली यार। और क्योंकि यार मैंने देखो इतने ओनली रेड रेड नंबर मारे ना, लेकिन यार जब किस्मत में ना हो लिटरली यार फिर ये वाला सीन होता है, क्योंकि जब ना लगे फिर एक भी नहीं लगता। अभी देखो ये बंदे 3 बैठे हुए, मुझे लगा 2 है, मैंने यहाँ पर एक को तो ओनली रेड करा दिया, अब इसने वॉल लगा लिया फौरन से। अब वो बंदे इतने स्ट्रेटजी वाले थे कि यार वो बंदे
रिवाइव सिर्फ कर रहे हो और कुछ नहीं। अब मैंने एक स्प्रे के अंदर इवन के देखो दो बंदों को नॉक कर दिया। अब मेरे पास एडवांटेज है, तुम लोग भी ये कहो, ये देखो नेट खराब होने शुरू हो गया। अब तुम लोग भी ये कहने वाले थे कि यार ड्रैगो भाई आप कर लोगे इजीली यार, लेकिन लिटरली मेरा भी कॉन्फिडेंस यही था, लेकिन यार एम कनेक्ट नहीं हो रहा भाई, जो मर्जी कर लो क्योंकि नेट खराब हुआ एकदम से और एम ऐसा हो गया ऑटो पे, मतलब वो चिपक ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा एम। अब देखो मैं बंदे पे लेके जा रहा हूँ और ये देखो रिकॉइल कितना कर रहा, पता नहीं क्या कुछ कर रहा। अब यहाँ पर ये देखो यार कसम से गंदे वाला यार, इतनी प्यारी क्लिप जा रही थी यार। तो अबे कोई ना, अब नेक्स्ट क्लिप भी इतनी खतरनाक रहने वाली है। और भाई इसमें तो यार इतना हैवी वाला भाई ने क्लचेस मारे हैं कि यार मैं खुद परेशान था कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। अब यार भाई ने उतरते ही लूट वगैरह इतनी तगड़ी वाली की है और मैक टेन भी भाई के पास आ चुकी है। अभी बंदा निकल गया है, मैंने इसको उंगली रेड कराया मैक टेन का। तुम लोगों को आज क्लिप में भाई उंगली रेड रेड देखने को मिलेगा क्योंकि एमएसआई बोल भाई आप लोगों का खेल रहा है और लिटरली यार कितने खतरनाक रेड नंबर है, इतने इतने यार स्पेक्टेट पे शो नहीं होते भाई। मैंने ये चीज़ नोट किया लिटरली यार, तुम लोग भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे आइडिया हो गया इस चीज़ का। तो मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ कि यार रिकॉर्डिंग ही अपलोड किया करूँ, मतलब जो कुछ गेम प्ले के साथ साथ रिकॉर्ड होता है। तो चलो अब इसी खुशी में एक वीडियो को लाइक कर दो और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे वीडियो को एंजॉय करके चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो अब एक सब्सक्राइब रोको यार। भाई ऊपर वाले बंदे को इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया था और एक आधी अगर हेडशॉट कनेक्ट हो जाता तो यार फोरन से वो नॉक हो जाता था। भाई ने अंदर जाने के बारे में सोचा क्योंकि अंदर फाइट काफ़ी अच्छी वाली चल रही थी और इसमें भी ये देखो ना आ गए दो बंदे आ गए और लिटरली तुम लोग चेकआउट करना कि यार अभी देखो इस बंदे को एम चिपक ही नहीं रहा, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा, एम हेडशॉट में जा रहा और इसको देखो ओनली रेड लग रहे हैं यार, ये हालात चल रहा है। मतलब लिटरली यार जब लगने लगे तो ओनली रेड लगते हैं, ना लगने लगे तो फिर एक भी नहीं लगता। तो यार ये वाला सीन मेरे साथ पूरी गेम के अंदर यही होता रहा, पहली क्लिप में भी यही रहा और सेकंड क्लिप में भी यही मार सकता होता दिखाई दे रहा, लेकिन यार मैक का लिटरली यार जॉर्ड लेवल चल दिया। और मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यार कौन कौन सा बंदा आजकल मैक टेन चला रहा है। और अब तुम लोग को अंदाजा लगा लो कि यार इस बंदे को एक भी हेडशॉट कनेक्ट होने का राजी नहीं, और वही चीज़ अब मैंने इतनी यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ इस पे एम ही नहीं जा रहा। अब यहाँ पर मुझे कुछ दोस्त मेरे ऊपर स्पेक्टेट पे कर भी रहे हैं मुझे यहाँ पर, लेकिन यार वो भी हंस रहे हैं क्योंकि एम इस पे चिपक भी नहीं रहा यार, ये देखो ना हेड पे जा रहा है और ना वो कर रहा है। अब यहाँ पर एबिलिटी का मैंने यूज़ किया और मैंने किस तरीके से इसको यहाँ पर कुछ स्प्रे के साथ चलो फाइनली नॉक कर, उल एक और आ गया ओनली रेड। और रे भाई इतने रेड नंबर भाई रिकॉर्डिंग में इतने डिस्प्ले होते भाई, जो भी कर लो लिटरली मुझे सच्ची बताना कमेंट में कि यार ऐसी चीज़ नहीं डिस्प्ले होती ना ये चीज़। तो मैंने कहा चलो यार इनको जल्दी से यहाँ पर फिनिश करते हैं और इनकी लूट वगैरह कर लेते हैं भाई। बैक टर्न तो यार लिटरली यार बहुत हैवी चल रही है यार। तो अब एक्समेट उठाते हैं यहाँ पर साथ ही कि कॉम्बो एक्समेट और मैक टर्न का बहुत प्यारा है यार, मिनी यूजी और एक्समेट का कॉम्बो भी बहुत प्यारा रहता है और लिटरली यार यहाँ पर। और इसी के साथ मैंने कहा चलो यार हंट लगाते हैं अब यहाँ पर। अच्छा यार ये ऊपर वाला बंदा मुझे काफ़ी देर से तंग कर रहा है और मुझे यहाँ पर बार बार इस तरह लगता है कि यार बंदा नीचे आ चुका है। वही देखो एबिलिटी मारी उसने, वही नीचे ही था भाई साहब, नीचे ही था लिटरली यार, वो भी कह रहा हूँ मौत को टक से छू कर वापस आ गए। कोई ना भाई अब आप लोगों का भाई आप लोगों का हंट के लिए वेट कर रहा है और तुम लोग भी कह रहे हो कि क्या ड्रैगो भाई यार हंट वाले बंदे से डर गए हो, भाई डरा नहीं हो पब्लिक, ऊपर वाला बंदा जो ना उसमें बस मस्ती कर रहा है वो ऊपर वाला, तो इसलिए मैंने कहा यार यहीं पर वेट करता हूँ, हंट वाले को अपनी तरफ बुलाता हूँ। अब यहाँ पर हंट वाला भी बंदा काफ़ी कॉन्फिडेंस था और अब यहाँ पर वो बंदा जो कि मेरे पर रश करने के बारे में सोच रहा है लिटरली यार, मेरे में भी यहाँ पर था, मैंने कहा चलो यार रश करता है ऊपर वाला बंदा जो कि मुझे मस्ती ना करे टांग ना अड़ाए तो हम लोग कर लेंगे। तो अब यहाँ पर नेटवर्क जिसका आजकल यार नेटवर्क बस तुम लोगों को क्या ही बताऊँ क्योंकि बहुत गंदे वाला सीन चल रहा है। यहाँ पर मैंने इसको लगाया और ये पोसीना वाला बंदा है और लिटरली मैंने इसको यहाँ पर काफ़ी हैवी वाला डैमेज करा दिया है। अभी देखो बॉल कितना तेजी से लगा रहा है बंदा, अच्छा है मतलब। और तुम लोग ये ना कहते ना कि भाई कटरा को भाई यार ड्रेसिंग क्यों डाउनलोड, ये तो बॉट्स हैं भाई, बॉट वगैरह वाला सीन है पब्लिक यार, ड्रेसिंग असल में इस एमुलेटर में यार एक्सपेंशन डाउनलोड नहीं है यार, मसला ये है, वरना तुम लोगों को पता है ड्रेसिंग तुम लोगों को लास्ट में डिस्प्ले होती है यार। तो अब इसी खुशी में चलो शाबाश आप जल्दी से ठोको सब्सक्राइब। अब यहाँ पर भाई आप लोगों का जो कि अब ऊपर वाला बंदा ही बचा, अब उसने मस्ती ना की ना, तो चलो फिर निकलते अब जल्दी से मस्ती की तरफ। अब देखो कीड़ा जाग गया, मतलब उसे मस्ती है थोड़ी सी, तो अब यहाँ पर उसको कैसे पकड़ा जाए यार, क्या टेक्निक लगाई जाए क्योंकि मेरे पास टोकन भी नहीं है कि यार मैं उस पोर्टल वगैरह लेके छत पे जाऊँ। और चलो वेट करते हैं, यूँ कर लेते हैं चलो। अब यह तुम लोगों को आज दिखाता हूँ कि यार स्कोप में मारा जाए तो कितना खतरनाक लगता है, चेक करना तुम लोग सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना। ये वाला भाई वाले रेड नंबर मैं खुद भी शौक था भाई, इतने रेड नंबर यार रिकॉर्डिंग में, तो भाई ये चीज़ डिस्प्ले तो होने का नाम ही नहीं। वो देखो जैसी नजर आता है मैं यहाँ पर, ये देखो यार लिटरली भाई तो ड्रैगो हैकर बना हुआ है, ड्रैगो हैकर बना हुआ भाई। और अब यहाँ पर भाई आप लोगों का दोबारा से बीमा शक्ति से हंट लगा के पब्लिक, तुम लोग अंदाजा लगा लो बीमा शक्ति से। अब यहाँ पर ये वाला बंदा बैठा हुआ था, इसको मैंने यार इतने करवाए यार, लेकिन यार ये देखो नॉक नहीं हो रहा यार। अब यहाँ पर नेटवर्क की माँ की आँख, और ये देखो यार 10 HP 30 HP बची है। अब यहाँ पर सर्कल ही बेस्ट है, कोई सर्कल का ये क्या सर्कल है,
इधर से ऊपर है, लेकिन उस बंदे को नहीं पता चलता भाई, वो भी आगे खेल चोरी कर रहे हैं, इतना मगन है उसको भी नहीं पता कि यार मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ। अब यहाँ पर इस बंदे को मैंने यहाँ पर पहले मारने को सोचा, लेकिन ये जैसे निकलता है मैं यहाँ पर इसको उंगली रेड कराता हूँ बैकटर्न का, और चलो मैंने कहा यार इसको फिनिश भी करते हैं। अब एक नेटवर्क मुझे बताओ किस किस का और कौन कौन से इलाके में आजकल नेटवर्क खराब चल रहा है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर खतरा पड़ गया था क्योंकि यार मेरे यहाँ पर बॉल नहीं लग रहे थे, इतना बड़ा खतरा जो कि मैंने यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से इसको यहाँ पर नॉक कर दी। चलो ओके सोनिया ऑन हो गया। अब यहाँ पर एक कप बंदा, चलो अभी ये वो ना, यार ये देखो यार ये भी आ गया, बॉल नहीं लग रहा। ओ यार पब्लिक ये तुम लोगों में क्या ही बताओ यार, नेटवर्क आजकल बहुत तंग कर रहा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।